मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर संकट के बादल अभी छटे नहीं है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें आज फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इसी सुनवाई को लेकर देखते हुए आज होने वाले आरक्षण की सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर पंचायत इलेक्शन के विरोध दायर याचिका पर निर्णय का इंतजार है। सोमवार को होने वाली इस सुनवाई पर अब बेंच आज सुनवाई करेगी। बता दें, शिवराज सरकार ने साल 2019 की जगह 2014 की आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, जिस पर एतराज जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने रीट पिटीशन दायर की थी। दरअसल इसके लिए नई तारीख 18 दिसंबर की दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज होनी थी, जिसे लेकर काफ़ी तैयारी की गई थी। इसी के साथ बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज पंचायत चुनाव पर सुनवाई होगी। इस मामले पर पहले 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, जो आगे बढ़ी। कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर 13 दिसंबर की जगह 14 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर मोहर लगा दी है।